वो सब जगह बनते होंगे लेकिन ऐसा नहीं बनता होगा कहीं। किस नाम से शॉप है? अच्छा ये बताओ अपनी शॉप पे सबसे ज़्यादा डिमांडेड क्या है इनमें से? मालपुआ। ये सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, सबसे ज़्यादा सेल है इसकी। ये झोल भैया, रायता, सूखी सब्जी, ये पानी कितना कितना पानी होगा? ये 5-7 किलो होगा। इसमें चीनी कितनी आएगी? इसमें का कितने 4 किलो चीनी गिरेगा। 4 किलो चीनी आएगी। 8 किलो आटा गिरेगा। 8 किलो आटा, मतलब सब कुछ तोल के होता है सब? बिना तोले नहीं, मतलब बिना तोले अंदाज से नहीं। स्वाद एक सा ही आएगा, बराबर आएगा। तोलना का काम तोलना का ही रहेगा। हाँ, वैसा काम वैसा रहेगा। बाट देख सकते हो कितने, 2 किलो का है। ये इनका जो झोल सब्जी है वो गर्म हो रही है, गर्म सब्जी ही मिलती है यहाँ पर। ये आटा है या मैदा है? आटा। 4 किलो चीनी, 8 किलो आटा। ये खाने वाला कलर है, बस इतना ही डाला जाता है। अब इसको मिलाया जाएगा। दिन में टोटल कितना आटा लगा लेते हो? 30-40 किलो। इसमें थोड़ा आटा और मिलाया जाए। ये बन रहे मालपुआ। कितने आ जाते हैं भाई इसमें एक बार में? 40 पुआ आ जाते हैं कम से कम। कितनी देर में सिक जाते हैं? करीब 5 मिनट में। शाम तक ऐसे बनते रहते हैं? कितने, 1 किलो? तो भाई किसी भैया के 1 किलो पैक होके जा रहे हैं। तुम्हारे जा रहे हैं भाई? तो घर के लिए पैक करा के ले जा रहे हो? कौन सा तेल इस्तेमाल करते हो? सरसों का है, रिफाइंड सरसों का तेल है। ये सरसों के तेल में, ये रिफाइंड में। अच्छा, ये सरसों के तेल में सिकते नहीं है इसलिए? तो अच्छा, अच्छा जो चिपक गए आपस में उनको अलग किया जाता है इसे। भाई इनका पता कैसे चलता है सिक गए? अच्छा, और इस साथ के साथ कचौड़ी भी सिक रही है।
ये इसमें से तेल निचोड़ा जा रहा है, जो एक्स्ट्रा तेल है ना। ये रायता और ये सूखी सब्जी। सूखी सब्जी कैसी होती है? कटे हुए आलू की। एक एक दो बस वाले तो भाई हमने लिया है एक बेड़ई और एक कुआ। क्या खाया आपने? मालपुआ। मालपुआ कितने? आधी किलो। अकेले खा जाते हो? और क्या। कैसे लगते हैं इनके? एकदम फर्स्ट क्लास। तो कब से खा रहे हो? हो गए साल हो गए। फिर भी कम मान लो 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। वही टेस्ट है इनका 5-6 साल पहले का? वही है। और बढ़िया हो गया। और बढ़िया हो गया। अच्छा, और बढ़िया हो गया। तो लोगों से क्या कहना चाहते हो जो वीडियो देख रहे हैं? क्या मतलब उनको आना चाहिए खाने? आना जरूर, एक बार मौका तो दो ना। फुल पैसा वसूल है ना? फुल फुल पैसा वसूल। पैसे नहीं हो तो कोई बात नहीं। पैसे नहीं हो तो कोई बात नहीं। वैसे लोगों के लिए अगर वो कोई जात तंगी में आता है उसके लिए ऐसा कोई। तो सब्जी का टेस्ट, सब्जी का टेस्ट कैसा है? एकदम पूरी कचौड़ी भेड़ी बहुत बढ़िया नाश्ता मिलता है। मतलब इन पे चार आइटम बनते हैं, चारों खाते हो? थोड़ा थोड़ा सब में से टेस्ट करो। अच्छा, तो कैसा बनाते हैं? बहुत बढ़िया एकदम मस्त सब्जी, बहुत लाजवाब बनती है सब्जी। लाजवाब बनती है। सबसे अच्छा क्या लगता है इनका? सबसे अच्छी यहाँ पे जलेबी। जलेबी, अच्छा। किसी ने पुआ बताया, किसी ने जलेबी, यानी कि सारे आइटम बढ़िया हैं इनके। सारे आइटम बढ़िया। और सबसे अच्छी इनकी सब्जी है? सबसे बेस्ट है सब्जी। अच्छा, जो असली स्वाद है मतलब सब्जी का है इनका? सब्जी से ही बन रहा है सब सारा सब। पूरे सब जगह पैक होकर जाते हैं, दिल्ली, मथुरा, आगरा, बम्बई तक जाते हैं पैक होकर। पैक होकर जाते हैं। तो ये खराब नहीं होते हैं? खराब नहीं। सब्जी ये तो जल्दी सुबह ले जाओगे शाम तक बढ़िया रहेगी। जल्दी जल्दी और टेस्ट होना चाहिए ना। सब्जी ऐसी है, सब्जी सुबह ले जाओगे शाम तक सही रहेगी। कल सुबह खाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। अच्छा।